वेबी मीडिया आप लोगों का स्वागत करता है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जॉब्स अलर्ट से। तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो भाई लोग अभी तैयारी कर रहे हैं या वेटिंग में हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। एसएससी आपको 2020 में रिक्रूटमेंट की पूरा प्रोसेस आपको दिखा दिया है उसने, और जितने भी उसने रिक्रूटमेंट करनी है उसका डाटा बाहर आ गया है। इस वीडियो में मैं आपसे वही डिस्कस करने वाला हूँ उससे रिलेटेड, कि जो भी एसएससी ने जितने भी पोस्ट के लिए अपना डाटा रिलीज किया अपनी वेबसाइट पे, तो वो पूरी की पूरी डिटेल के साथ आपको इस चैनल पे और इस वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं आगे की वीडियो, ज्वाइन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी सिलेक्शंस के लिए, कौन कौन सी जॉब की रिक्रूटमेंट के लिए एसएससी ने पोस्ट निकाली है। तो चलिए चलते हैं वीडियो के साथ और मिलते हैं आपसे। स्वागत है आपका। तो यार बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि एसएससी में निकली हैं बम्पर भर्तियाँ। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि एसएससी पहले ही कैलेंडर जारी कर चुकी है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि एसएससी में आखिरकार कौन सी भर्ती निकली हैं और कब कब उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्या उनका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है। और जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख ही रहा होगा, सारी डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यार बने रहिए चैनल पर, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले आपको नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ ऑफिशियल, जिसमें कि बताया गया है कि कब कब एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कैलेंडर है, ये एसएससी के द्वारा जो जारी किया गया है 2020 का, ये देख लीजिए। टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट पीरियड 1/10/2020 को ये जारी किया गया था, ठीक है, 31/8/2021 तक के लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ उसमें, जो कि हमारी एसएससी सीएचएसएल एमटीएस और सीजीएल की वैकेंसी के बारे में, ठीक है। तो हम नीचे जाएंगे, तो नीचे आप जाने पर आपको ये दिखेगा, ये देखिए, ये हमारा दे रखा है कम्बाइन हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि सीएचएसएल वाला, ठीक है। तो इसकी जो ये देखिए, ये डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, क्लोजिंग डेट और डेट ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसकी देखिए एडवर्टीजमेंट कब आने वाली है, तो इसकी एडवर्टीजमेंट आई 6 नवंबर को 2020 से 15/12 तक, ठीक है ना। और इसका एग्ज़ाम डेट ये होने वाली है, ठीक है। इसी के साथ जैसे ही आपको दिख रहा होगा सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये भी 21/12 को इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, साथ ही मल्टीटास्किंग का भी 2/2/2021 में आने वाला है, और ये एग्ज़ाम डेट है, ठीक है। तो हम चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल की जानकारी करते हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन, क्या प्रोसेस रहने वाली है, क्या एग्ज़ाम रहने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये देख लीजिए एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ का एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाली है, वो होने वाली है 2 फरवरी से लेकर 2021 से 18 मार्च 2021 तक ये एप्लीकेशन चलेगी, इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम जो होगा वो होगा 1 जुलाई 2021 को, यानी कि आपके पास काफ़ी समय है इसकी तैयारी करने के लिए, और इसमें जो कट ऑफ है वो भी बहुत कम जाता है, और इसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत कम रहता है, ठीक है ना। तो आप ये एक अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, बढ़िया, और इसको आप आसानी से गेन कर सकते हैं। आगे चलिए हम इसके बारे में जानकारी देते हैं कि क्या क्या इसके लिए चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, इसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो चाहिए, ओनली द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम, यानी कि आपको ओनली 10th चाहिए, क्या चाहिए, ओनली 10th पास, यानी कि जो बच्चे 10वीं पास कर चुके हैं वो इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप भर सकते हैं इसका फॉर्म, जो अभी इसका 2 फरवरी को आने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसमें, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहती है, जनरल वालों के लिए 100 रुपये रहती है, ठीक है ना, 100 रुपये ये लिखा हुआ है, बाकी एस सी एस टी के लिए 50 से 40 रुपये जो भी है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये देखिए, इसके अलावा हम इसकी एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट आपको दिख रही होगी, ये देखिए एज लिमिट मैं दिखा देता हूँ, द एज 18 से 25 उम्र के जो छात्र हैं उनको लिया जा सकता है एज, ठीक है ना, ये पुराना नोटिफिकेशन है उसके अनुसार है 18 से 25 के, और बाकी आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है एस सी एस टी वालों को 5 साल, ओ बी सी वालों को 3 साल, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है, हम आगे चलते हैं इस पर, ठीक है। तो आपको ये पे स्केल इसका दिखा देता हूँ मैं, पे स्केल ये देखिए, पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है, लेवल 1 की ये जो है पोस्ट है, इसमें 5,200 से लेकर 20,000, यानी कि 20,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी, लगभग 25,000 के समथिंग इसमें मिलती है, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा पेमेंट है, और काम भी आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, ठीक है ना। तो इसके बारे में और डिटेल लेते हैं हम, ठीक है, एज हो चुका है, एजुकेशन हो चुका है, एप्लीकेशन फी हो चुका है। अब देखिए स्कीम क्या रहने वाली है, यानी कि हम एग्जाम का पैटर्न जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आपके इसमें 2 टायर होने वाले हैं, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर सेकंड, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, दो आपके दो होंगे, पहला पेपर फर्स्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, और सेकंड रहेगा डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो आगे देखिए, ये आपका पेपर फर्स्ट का है, ठीक है,
ये पेपर फर्स्ट के बारे में है। इसमें आपके देखिए 25 जनरल इंग्लिश आ गई, ठीक है, 100 90 मिनट का पेपर है आपका, और 100 इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है ना। और इसमें देख लीजिए 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद मैथ तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, और जनरल अवेयरनेस जो कि 25 मार्क्स और 25 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, ये देखिए 0.25 की इसमें निगेटिव मार्किंग रहने वाली है, यानी कि 1/4, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये देखिए इस ये इसका सेकंड पेपर है जो कि डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें कि आपको शॉर्ट ऐसे या लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज, यानी कि आप या तो एक ऐसे लिख सकते हैं या लेटर, यानी कि कुछ भी लिख सकते हैं आप, वो भी आपकी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, या 8th शेड्यूल ऑफ द, ठीक है, इंग्लिश या जो हिंदी या फिर जो आपकी लैंग्वेज है उसमें आप लिख सकते हैं, जो कि अनुसार हो गया 8वीं अनुसूची के अनुसार, ठीक है। जो कि ये मैक्सिमम मार्क्स के रहेंगे 50, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको लगभग 30 या 35 नंबर जो भी इसको कट ऑफ जाता है वो लाना होता है, उसमें आपको आधे घंटे का समय दिया जाएगा, इसके बाद सीधे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा SSC MTS का। अब चलते हैं SSC CHSL के पास, CHSL के पास देखिए SSC CHSL में एप्लीकेशन डेट आपकी स्टार्ट होने वाली है, ये देखिए ये 6 नवंबर को ही होने वाली है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन किसी की डेट जो होने वाली है रिलीज़, वो होने वाली है इसी की SSC CHSL, ठीक है। तो अभी से आप इसकी तैयारी में लग जाइए, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होता है, बहुत ही अच्छी पे स्केल है इसकी, और बढ़िया एग्ज़ाम होता है इसका, कट ऑफ भी मतलब अच्छा खासा जाता है इसका, ठीक है ना। इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है, बहुत बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं, और इसमें मात्र आपको 10+2 यानी कि आप 12वीं पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ये देखिए कब से स्टार्ट होने वाली है, 6 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, ठीक है। इसका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 12 अप्रैल को होने वाला है, यानी लगभग आपके पास 6 से 7 महीने अभी बचे हुए हैं, तो आप यार इसकी मतलब इसी एग्ज़ाम को टारगेट बना लीजिए तो आप इसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम इसकी डिटेल में जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस आप देख रहे होंगे, इसमें भी 100 रुपये है, ठीक है ना। इसमें भी एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है, जो सेम रहती है। इसके अलावा देखिए इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के चाहिए तो इसमें LDC की होती है, JSA PA DO की, तो इसमें आपको 12th पास ही होता है, ठीक है। इसके अलावा फॉर DO होता है एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, ये भी 12th स्टैंडर्ड, यानी कि 12वीं पास आप हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, एज लिमिट क्या रहेगी, तो एज लिमिट भी सेम रहने वाली है, 18 से 27 साल, ठीक है ना। बाकी 5 ईयर 3 ईयर जो कि रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा ही, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम देखिए पे स्केल इसमें थोड़ा अच्छा मिल जाता है, जैसे कि LDC के लिए 5200 से रहने वाला है, ठीक है ना। और इसके अलावा PO का भरते हैं तो उसके लिए ये है, उसका ग्रेड इसका आपको पे ये जो ग्रेड पे है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे एज लिमिट हो चुकी है, एजुकेशन हो चुका है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस आपको बताई दिए, अब स्कीम देख लेते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न आखिर क्या रहता है, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम देख लीजिए, इसमें भी देखिए इसमें 3 टायर होते हैं, पहला तो आपका जो रहेगा CBT रहेगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव रहे, सेकंड रहने वाला आपका डिस्क्रिप्टिव, और थर्ड रहने वाला स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट, जो भी रहेगा उसमें टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट, ठीक है ना। तो उसका हम सिलेबस देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो ये देखिए इसका सिलेबस, देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, ये है क्वेश्चन और ये है नंबर, और 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि एक जो आपका क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होने वाला है, यानी कि इंग्लिश में भी सेम आपका SSC MTS जैसा है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स इन, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ के, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के रहने वाले 25 में से 50 क्वेश्चन, ठीक है। आपको टोटल 60 मिनट का जो है समय इसमें दिया जाएगा, 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटे में आपको लगभग 100 क्वेश्चन करने हैं, ये थोड़ा टफ हो जाता है, और 200 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये देखिए उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.50, यानी आधा नंबर आपका कटने वाला है 1 क्वेश्चन गलत होने पर, ठीक है ना। तो आप ये देखती है, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं, ये इसका टियर 2nd है, टियर 2nd आपको देख रहा हो, डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, जिसमें कि आपको 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, पेन एंड पेन पेपर मोड का रहने वाला है, ठीक है ना। इसमें आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, और एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, जो कि 200-250 और 150 से 200 वर्ड्स का रहने वाला है, और ये मिनिमम क्वालिफाइंग रहने वाला है, जो कि 33% होने वाला है, ठीक है, ये लिखा हुआ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है क्वालिफाइंग मार्क्स का रहने वाला है, इसमें एक ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, एक एप्लीकेशन लिखना, इसमें दोनों लिखना पड़ेंगे आपको, ठीक है, वही सेम रहने वाला है, हिंदी इंग्लिश या जो भी आपकी लैंग्वेज है 8th शेड्यूल के अनुसार, ठीक है, तो वो आपको रेगुलर है, ठीक है। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्टिव भी होता है, जिसमें कि स्किल टेस्ट होता है जो भी आपको, या टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है, ये देख लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर जो भी है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये था हमारा SSC CHSL, अब चलते हैं SSC CGL के पास, ये देखिए SSC CGL कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी कि यहाँ पर जो बच्चे हैं
वो भर सकते हैं जो ग्रेजुएशन हो चुका है इनका, कोई भी बैचलर डिग्री हो सकती है उनके पास। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन भी देखिए दिसंबर में ही स्टार्ट होने वाली है और 25 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 29 मई को होने वाला है जो कि 7 जून तक चलेगा। यानी कि आप देखिए पहले होगा आपका SSC CHSL का, ठीक है, CHSL का हो जाएगा अप्रैल में। इसके बाद आपका जो है CGL का होगा जो कि मई में होगा, ठीक है, मई में होगा। उसके बाद MTS आने वाला है आपका जो कि जुलाई में होने वाला है। यानी कि आपको लगातार 1-3 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई, आपको लगातार 3 से 4 महीने एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है SSC के। अगर आप इन इस SSC की तैयारी करते हैं लगभग सभी सेम रहता है, बस लेवल का इसमें फ़र्क पड़ता है, बाकी पैटर्न सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है। ठीक है ना, बाकी इसमें थोड़ा लेवल का इंक्रीज़ रहता है। अगर आप अभी से इसकी तैयारी करते हैं SSC की तो आप मान के चलिए 6 से 7 महीने के अंदर आप जॉब पा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आगे चलते हैं, हम इसकी डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी देख ली एज लिमिट क्या रहने वाली, एज लिमिट इसमें अलग अलग मांगते हैं क्योंकि अलग अलग क्राइटेरिया होता है इसमें, अलग अलग पोस्टेज होती हैं बहुत सारी इसमें, तो उसके हिसाब से देख लीजिए 18, 27, 20 से 27, 20 से 27, अलग अलग वो जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा तब आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमको चाहिए। तो सबसे पहले तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री आपके होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो भी इसमें पोस्ट हैं अलग अलग, जैसे कि अकाउंटेंट के लिए तो आपको CA होना चाहिए, वो कुछ है ना, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो आगे इसके देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की हम जब बात करते हैं तो इसमें देखिए इसमें 4 टायर होते हैं, Tier 1, Tier 2, Tier 3 और Tier 4। Tier 1 में क्या होगा, CBT होगा, Tier 2 भी CBT होगा, Tier 3 में डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, Tier 4 में आपका स्किल टेस्ट होगा जो भी आपका वहाँ पे होगा। ठीक है ना, तो ये रहेंगे आपके 4। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए पेपर, ये हो जाएगा आपका, ये आपका इस Tier 1 और Tier 2 के बारे में जानकारी दी गई। ठीक है, तो इसका भी बिल्कुल CHSL के सेम पैटर्न रहता है, ये देख देखा होगा आपको 25-25-25, 50-50-50, यानी कि ये क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का रहने वाला है, 25-25 क्वेश्चन सबके आने वाले हैं, सेम पैटर्न है। ठीक है, इसमें भी आपको 60 मिनट का जो है वक्त दिया जाता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी इसमें सेम ही होती है। ठीक है, ये देख लीजिए निगेटिव मार्किंग भी इसमें 0.50 की होती है जो कि आपको दिख रहा होगा, सेम होती है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सेम होता है, बस लेवल का थोड़ा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, अब इसका पेपर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अदर पोस्ट के लिए भरते हैं तो उसमें फिर अलग आता है। ठीक है, अब ये देखिए ये Tier 2 का है जो कि रहने वाला है। ठीक है, Tier 2 में क्या होगा आपका 100 का तो 100 नंबर का मैथ आएगा जो कि 200 नंबर का रहने वाला है, बाकी 200 की इंग्लिश आएगी जो कि 200 नंबर की, यानी कि 300 आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, 400 आपके मार्क्स रहने वाले हैं। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 120 मिनट का। ठीक है, ठीक है, इसके बाद Paper 3 जो कि स्टैटिक्स वालों के लिए, Paper 4 जो कि आप जो नॉर्मल बच्चे जो सिर्फ बैचलर्स डिग्री से पढ़ते हैं उनके लिए सिर्फ 2 पेपर होंगे। ठीक है ना, वो एक ही समय पर हो जाएगा वो। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग आप देख लीजिए 0.50 की है, 0.25 की मार्किंग है जो कि इंग्लिश के लिए रहने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका जो Tier 3 है उसमें आपको पेन एंड पेपर मोड, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर इन हिंदी और इंग्लिश, ऐसे एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा जिसमें 100 मार्क्स का हुआ, 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। ठीक है ना, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर होगा। ठीक है, इसके बाद आपका Skill Test 4 आता है जो कि स्किल टेस्ट होता है Tier 4, ये देखिए स्किल टेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको, ठीक है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए कैलेंडर का तो आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप जा सकते हैं। साथ ही अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम SSC की जो एग्ज़ाम होने वाले जितने भी उसके लिए करंट अफेयर की सीरीज चालू करने वाले हैं, साथ ही जो NTPC है, RRB है, साथ ही SSC के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी भी हम क्वेश्चन सीरीज चालू करने वाले हैं, GA की और GK की। तो यार अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।